भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब जी को जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं हमारे डिप्टी स्पीकर जी जो यहां इस मंच के माध्यम से अपनी बात कह रहे थे, उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूं। और हमारे बीच पहुंचे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब जी का हम यहां स्वागत करते हैं। और स्वागत की ही इस कड़ी में मैं अनुरोध करती हूं हमारे मंडल अध्यक्ष आजाद शर्मा जी, मास्टर पाला राम जी, बारू राम जी और जगदीश फौजी जी, वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर और पुष्प कुंज देकर उनका यहाँ आज नारनौत विजय संकल्प रैली में पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे चारों मंडल अध्यक्ष, मेरा आपसे अनुरोध है थोड़ा अतिशीघ्रता से कार्य करें, पगड़ी पहनाकर और बुके देकर और उनके साथ जयवीर माजरा हमारे विधानसभा संयोजक भाई शॉल उड़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का इस संकल्प रैली में पहुंचने पर स्वागत कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जोरदार तालियों के साथ आप अपने भाइयों का सहयोग करें। मंच के समक्ष विराजमान सभी बंधुगण, मेरी मातृशक्ति, जोरदार तालियों से आप मुख्यमंत्री जी का पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत की ही इस कड़ी में हमारे बीच हमारे लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह जी भी पहुंच चुके हैं। मैं चौधरी रंजीत सिंह जी को महावीर शर्मा जी और सोनू सिहाग जी पगड़ी पहनाकर उनका भी यहां पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत की इस कड़ी में बड़ी माला पहनाकर कैप्टन अभिमन्यु जी और उनकी पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी का नारनौत पहुंचने पर स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है। आप सब से मेरा अनुरोध है कि अभी तो सुबह का समय है और एक उज्जवल भविष्य की ओर हम सब बढ़ रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ आप अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अपने उत्साह से उनको बताएं कि उनके यहाँ नारनौत पहुंचने पर हमें किस हद तक प्रसन्नता है। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत उपरांत मैं आप सबका एक बार फिर से यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मैं स्वागत की कड़ी में मैंने भाई सोनू डाटा जी से और महावीर शर्मा जी से अनुरोध किया था कि वो हमारे प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह जी को भी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे लगातार दूसरी बार हिसार से विधायक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वे भी आए और कम शब्दों में यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का पहुंचने पर और सामने बैठी जनसभा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर कमल गुप्ता जी, प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। भाई प्रेम से बोलने वास्ते क्या है, यूं नहीं क्या, अभी चुप रहो, थोड़ा बुलंद आवाज में, प्रचंड आवाज में, लेकिन प्रेम झलकना चाहिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। नारनौंद की इस चुनावी सभा में, अनाज मंडी के प्रांगण में हमारे बीच में पहुंचे हमारे प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सहनी जी और आपके लोकसभा के प्रत्याशी, जिनको इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दूत बनाकर भेजा, उनके हाथ में
कमल का फूल देकर भेजा। लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह जी हरियाणा सरकार में बिजली के मंत्री भी हैं, हमारे बीच में नारनौंद के लाडले, और पिछली विधानसभा में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का मंत्री का जिम्मा जिन्होंने संभाला, और जो वित्त मंत्री रहे, 5 बार बजट पेश किया, ऐसे कैप्टन अभिमन्यु जी, हिसार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और नलवा के लोकप्रिय विधायक भाई रणवीर गंगवा जी, हांसी के विधायक भाई विनोद भयाना जी, जनरल डीपी वत्स जी, सुरेंद्र पूनिया जी, रवि सैनी जी, और भी अनेक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नारनौंद की सरदारी, मेरी वंदनीय पूजनीय बहनों माताओं, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं बोलना तो बहुत चाहता था लेकिन मुझे इन्होंने पहले बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। एक ही बात बोलूंगा, ये चुनाव दो व्यक्तियों का नहीं है, ये चुनाव देश के गौरव और स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव भगवान राम को उनके घर में पहुंचाने का चुनाव है। ये चुनाव धारा 370 तोड़ने का चुनाव है। मित्रों, 500 वर्ष पहले बाबर आया और उसने इस देश की संपत्ति को, संस्कृति को और सभ्यता को जी भर के लूटा। पृथ्वीराज चौहान के बाद यहां पर हूण आए, कुषाण आए, शक आए, मुगल आए और अंग्रेज आए, उन्होंने इस देश को जी भर के लूटा। 500 साल भगवान राम को वनवास देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को भगवान राम को उनके रामलला के मंदिर में पहुंचाने का काम किया। हम ये कहते हैं कि ये वोट भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को क्यों दें? इसलिए दें कि 500 साल की गुलामी, जिस जिल्लत को हमने बर्दाश्त किया, उस समय हमारा देश बोधा था, कमजोर था, और दुख की बात तो यह है कि 1947 में देश की आजादी के बाद भी उस समय की कांग्रेस ने, नेहरू खानदान ने इस देश को तोड़ने का काम किया, राम मंदिर बनाने की नहीं सोची। जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान को दिया, उसका 78,000 वर्ग किलोमीटर आज भी पाकिस्तान दाबे बैठा है, और रहस्य कर जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाई। देश की आजादी के 73 साल के बाद मोदी जी ने धारा 370 को तोड़ा, इसलिए ये वोट नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। एक अंतिम बात कि मोदी को ये वोट क्यों देना चाहिए। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अखबार पढ़ रहा था और उसमें जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, चाहे वो मीरपुर है, चाहे वो भुंदर है, चाहे वो पुंछ है, चाहे वो पागली है, परांदरी है, जो 6-7 गांव मैंने बोले, वहां भी शोर हो रहा है और आंदोलन चल रहा है, वहां आंदोलन चल रहा है, वहां के लोगों को आटा राशन नहीं मिल रहा, वहां के लोगों को बिजली नहीं मिल रही, वहां के लोगों को पाकिस्तान की पुलिस जो है वो गोलियों का शिकार कर रही है, वो लोग ये चाहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में मिला लो। ये वोट मोदी जी को इसलिए देना है, अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाना है तो ये वोट
एक एक व्यक्ति का वोट, परिवार में हर आदमी का वोट, गली मोहल्ले में, गांव की गली में, चौपालों में, हर वोट को अगर हम मोदी को देंगे, मोदी को अगर हम 300 की जगह 400 सांसदों से प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, मोदी को अगर हम एक एक सांसद 5,000 से जीतने वाले को 5,000,000 से जिताएंगे, तो मोदी जी के अंदर इतनी शक्ति आएगी और आपका ये वोट आने वाले साल दो साल में ही जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको हिंदुस्तान में मिलाने का काम करेगा। ये वोट मोदी जी को इसलिए देना है, इसलिए चौधरी रणजीत सिंह जी को 25 मई को सुबह नहा धोके अपने देवी देवताओं को सिर झुका के और बूथ पे जाके कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा के उनको भारी बहुमत से जिताओ। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार और मैं इस कड़ी में अनुरोध करती हूं, जिन्होंने हमेशा आपके दुख सुख की चिंता की है, जो आज भी आपके लिए हर समय तत्पर रहते हैं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के खजाने को बहुत संभाल कर एक एक व्यक्ति को उसका अधिकार दिया था, ऐसे हमारे पूर्व में वित्त मंत्री रहे, आज की रैली के संयोजक भी कैप्टन अभिमन्यु जी की भी आए और आए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और इस पूरी जनसभा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की। ये बीच में कुछ नारे नहीं ला रहे भाई, बीच में थोड़े जोर तो लाओ। भारत माता की, भारत माता की। मेरे हरियाणा प्रदेश के इस हिसार लोकसभा के नारनौंद की पावन धरा पर आज हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे बहुत ही अजीज साथी, हमने संगठन में और सरकार में मिलकर के बहुत काम किया है और बहुत खुशी इस बात की है कि आज वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के हमारे नारनौंद में पधारे हैं। ऐसे आदरणीय श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हमारे हिसार लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, सरकार में मंत्री आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आदरणीय श्रीमान रणबीर गंगवा जी, आदरणीय श्रीमान विनोद भ्याना जी, हमारे जिला के अध्यक्षा बहन आशा खेदड़ जी, जनरल डीपी वत्स साहब और सभी हमारे मंच पर उपस्थित, समय को बचाने के लिए नाम लेने से बचता हुआ मेरे बहुत ही वरिष्ठ और सभी ज्येष्ठ पार्टी के मंचस्थ नेतृत्व, सम्मानित सभा में उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मात्र शक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार कलाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपने नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से, 36 बिरादरी की सरदारी की तरफ से आए हुए सभी अतिथियों का, मेहमानों का तहे दिल से उनका आभार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथियों, ये लोकतंत्र का महापर्व है, 140 करोड़ लोगों का भविष्य का ये चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, समस्त विश्व भारत की तरफ इस चुनाव के परिणाम की ओर देख रहा है। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के लोग आज भारत में इस चुनाव के परिणाम को देखने के लिए आए हैं। वो इस लोकतंत्र के त्योहार को देख करके ये जानना चाहते हैं कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान के लोग ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत माता के बेटे नरेंद्र मोदी जी का साथ देते हैं, या ये भारत के लोग फिर कोई न कोई ऐतिहासिक भूल करके और फिर भारत को गुलामी के रास्ते की तरफ बढ़ाना चाहते हैं क्या? मैं एक महीने के लिए असम के जिम्मेदारी पर पार्टी ने मुझे भेजा था, पूरे असम के 14 लोकसभा क्षेत्र में
मुझे जाने का दूर दूर के इलाके के अंदर मौका मिला था, बर्मा के बॉर्डर तक, बांग्लादेश के बॉर्डर तक, वहां चाइना भी नजदीक बॉर्डर लगता था, वहां तक जाने का मौका मिला। पूरे असम के 14 लोकसभा क्षेत्र में 14 के 14 में जबरदस्त वातावरण था और कम से कम 12 सीटें असम से जीत करके आने वाले हैं जो पहले 9 थी साथियों। लेकिन वहां लोग कहते थे कि असम और पूर्वोत्तर तो एक तरफा है, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, नरेंद्र मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाना चाहता है, अब की बार 400 पार करना चाहता है। वो कहते थे कि पूरे देश में भी संदेश दे दीजिए कि पूर्वोत्तर का प्रत्येक व्यक्ति वह मोदी जी के साथ है। उनका संदेश भी आपको ले आपके बीच में मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। साथियों, यह चुनाव केवल एक लोकसभा का नहीं, केवल एक प्रदेश का नहीं है, यह चुनाव एक जिले का और एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, यह देश के भविष्य का चुनाव है, एक गांव की पंचायत का चुनाव नहीं है, यह देश की पंचायत का चुनाव है। 4 जून को जब परिणाम आएगा, देश की संसद के अंदर जो बहुमत की गिनती होगी, एक तरफ नरेंद्र मोदी भारत की मां का बेटा, एक गरीब पिछड़े परिवार में जन्म लेकर के चाय बीज करके जीवन की शुरुआत करने वाला दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय जनप्रिय नेता, वे देश की जनता का मत वे प्राप्त करने के लिए संसद में खड़े होंगे, और दूसरी तरफ तथा कथित परिवारवादी लोग, दूसरी तरफ तथा कथित देश को तोड़ने वाली ताकतें, देश के दुश्मनों के हाथों में खेलने वाली ताकतें, देश को कमजोर करने वाली ताकतें और विदेशी संस्कृति के आधार पर चलने वाली ताकतों का दूसरी तरफ एक राहुल गांधी खड़ा होगा। मुझे बताओ मेरे साथियों, मेरा हिसार लोकसभा का जब संसद में नंबर आए और हाथ खड़ा करवाया जाए, तो मेरा हिसार लोकसभा का हाथ क्या देश के विरुद्ध खड़ा होगा या देश के पक्ष में मोदी जी के साथ खड़ा होगा? साथियों, मेरे हिसार लोकसभा का हाथ वे मोदी जी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि देश में आज दो विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग आज लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आजादी के बाद 70 साल में से 60 साल के करीब आपने, कांग्रेस पार्टी ने राज किया, संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन करने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी ने 100 बार से ज्यादा देश के संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था उसमें परिवर्तन करने का काम किया। और परिवर्तन किस बात के लिए किया? उन्होंने परिवर्तन किया कि जब शाहबानो के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल करके माता और बहनों के अधिकारों को छीनने का, संविधान में बदलाव करने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। संविधान का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश में आजादी के बाद आज तक संविधान का दुरुपयोग करते हुए 90 बार हिंदुस्तान की चुनी हुई राज्य की विधानसभाओं की सरकारों को 90 बार, 10, 20, 30 बार नहीं, 90 बार संविधान का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त करने का काम किया। वो ताकत बीजेपी के पास भी आई, वो ताकत मोदी जी के पास भी आई। उस बीजेपी की सरकार चाहे वाजपेयी जी की रही, चाहे मोदी जी की रही, पूरा बहुमत होने के बाद भी जहां कांग्रेस ने 90 सरकारों को बर्खास्त किया था, मोदी जी ने और बीजेपी ने एक भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का काम नहीं किया। बताओ संविधान की लाज किसने रखी? मोदी जी ने रखी कि कांग्रेस पार्टी ने रखी? साथियों, ये कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा करने की बात करती है, लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करती है। इस देश के इतिहास में काला अध्याय 1975 के जून के महीने में कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने
सारे इंसानी हकूकों को समाप्त करते हुए इमरजेंसी लगाने का काम किया, आपातकाल लगाने का काम किया, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत के समूचे विपक्ष को बिना कारण नजरबंद करके जेलों में ठूसने का काम किया, कई लाख लोगों को 19 महीने की जेल देने का काम बिना कारण के वे कांग्रेस पार्टी ने किया था। तब लोकतंत्र की दुहाई नहीं दी, देश के अखबारों को खबर छापने से रोक दिया गया, रात को अखबारों के संपादकों को पत्रकारों को उठा करके जेल में डाल दिया जाता था, छपी हुई खबरों पर काली स्याही लगा करके और अखबार घरों में आया करते थे, तब देश के लोकतंत्र की परवाह कांग्रेस पार्टी को नहीं हुई। और अगर आज कोई भ्रष्टाचार करता है, झारखंड का मुख्यमंत्री के कारिंदे के घर में 350 करोड़ रुपया नकद मिलता है, साथियों उस बात का जवाब नहीं देते, 350 करोड़ रुपए को देख ले गस खा कर पड़ जा और किस देख करके को बर्दाश्त कर जा, उसकी गंध से वो मर जा। 350 करोड़ रुपए कहाँ से आए, कहाँ से लूट करके लाए, कहाँ से लोगों का हक मार करके लाए, उस बात का जवाब नहीं देते। जब सरकार कार्रवाई करती है, जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है, तब कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। साथियों हैरानी की बात है, बंगाल के अंदर ममता के एक मंत्री के घर में 3 दिन तक छत फाड़ फाड़ के नोटों की बारिश हो रही थी, जो कुछ लोग तो चेकिंग कर रहे थे, नोटों के बोझ में गिर करके कुछ तो चोट लगी, उनका बेहोश हो गए, उनकी बारिश से छतें टूट टूट करके नोटों की बारिश, 334 करोड़ रुपया उनके शिक्षा मंत्री के वहां मिला। ममता दीदी उसका तो जवाब देती नहीं, कहती है लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। संदेश खाली में बंगाल में बहनों की असमत को, इज्जत को लूटने का सरेआम एक गुंडा करता रहा, सैकड़ों महिलाएं सड़कों के ऊपर अपनी इज्जत की दुहाई देकर के अपनी सुरक्षा की मांग करती हुई दिखाई दी, लेकिन तब ममता दीदी को लोकतंत्र और संविधान ध्यान में नहीं आया। ये सारे के सारे जो विपक्षी लोग हैं, ये केवल मोदी जी का खिलाफत करना चाहते हैं, देश की खिलाफत करना चाहते हैं, देश की तरक्की को रोकना चाहते हैं। अगर इनका लोकतंत्र में अगर कोई विश्वास होता, अगर इनका लोकशाही में कोई भरोसा होता, अगर इनकी जनतंत्र में कोई श्रद्धा होती, तो इस देश के अंदर परिवारवाद कभी नहीं पनपता। इनकी पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है, इस कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, 140 करोड़ लोगों की राजनीति करने वाली पार्टी, अगर एक परिवार के कब्जे में है तो क्या वो लोकतंत्र है, क्या वो जमहूरियत है? ये केवल अपने परिवारों के जो इनके पुर्जे हैं, जो पुर्जे खराब भी हैं, जो खोटे सिक्के हैं, जो परिवारों के नकली नोट हैं, ये उनको चलाना चाहते हैं। मेरे हिंदुस्तान के नौजवान, मेरे हिंदुस्तान की क्षमता और प्रतिभा को ये समाप्त करते हुए अपने परिवारों के पुर्जों को आगे बढ़ाने का पाप हिंदुस्तान में करते हैं और फिर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कुछ वो हिंदुस्तान में चला करता था कि डी कंपनी थी, दाऊद इब्राहिम की कंपनी थी डी कंपनी, हमारे हरियाणा में भी बी कंपनी है, बी कंपनी बाबू बेटा कंपनी, ये पार्टियां नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस देखो तो बाबू बेटा कंपनी, इन्हें लो देखो तो बाबू बेटा कंपनी, जजपा देखो तो बाबू बेटा कंपनी, आप और हमारा कोई सौदा नहीं है बीच में, ये सारा परिवार हमारा तो समझ में नहीं आया। इन्हें लो कर जजपा का तो चोर रणजीत सिंह जी को ज्यादा पता होगा, ये तो बाबू बेटा का नहीं, बेटा बाबू का नहीं, इनका तो ऐसा सौदा है भतीजा चाचा का नहीं, चाचा भतीजा का नहीं, देवर भाभी का नहीं, भाभी देवर की नहीं, इनका तो मारा समझ में नहीं, पोता दादा का नहीं और दादा पोता का नहीं, मारा तो इनका सौदा ही समझ में नहीं आया। अरे हरियाणा ने बेवकूफ बनावे, इनके पल्ले कुछ नहीं, धांस नहीं, और सारा हरियाणा बेवकूफ बनाते चाले, ये बताओ क्या इनको कोई वोट मांगने का हक है? वो बताओ, मैंने किसी का हक हो तो बताओ भाई,
ये बाबू बेटा कंपनियों को वोट मांगने का, और ये पिछली बार 2019 में ठीक काम कर दिया था। 2019 की लोकसभा में सोनीपत में 2.25 लाख वोटों से अरे 10 साल मुख्यमंत्री रह लिया। नुकेता बोला वही चौधरपुरी चला ली अपने इलाके की चौधर के नाम पर, और सोनीपत में 2.25 लाख वोटों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अरीब की बार तो सोनीपत ने भी पीछा छुड़ा गया, बोला भाई सोनीपत की तरफ नहीं जाऊंगा, और अब भाई किसी तरह से एक सीट बचाने की जुगत में लगे हैं। सोनीपत छोड़ दिया, को हरिद्वार से बाबा ले आया, अगर भाई हार के भी जाएगा तो कोई घना नाराज नहीं होगा, कोई बात नहीं जान दो इसने। ले सोनीपत छोड़ करके रोहतक की लड़ाई, और रोहतक वाला नुके सिरसा में बोला भाई कांग्रेस वाले जो भी उसका ग्रुप है, ग्रुप तो के है गिरोह है ये गैंग है, उनका जो बीबी कंपनी का जो गैंग है वो सिरसा में जो है बहन जी के खिलाफ लग रहा है। इनका कोई आपस में सिस्टम ही नहीं है, ये आपस में लड़ाई लड़ने वाले लोग ये बताओ मेरे हरियाणा का क्या भला करेंगे, मेरे हरियाणा के किसान का, मेरे हरियाणा की मातृशक्ति का, मेरे हरियाणा के नौजवानों के भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे, मेरे हरियाणा के गरीब को, दलित को, पिछड़े को, शोषित को, वंचित को, उनके कल्याण का काम ये कैसे करेंगे। ये तो अपने कल्याण करने में लगे हुए, इनके तो हाथों में खुजली हो रही है, बोला इनके कुकरे कुकर बात बन जा, ये तो चक्कर में बैठे हैं कि भाई कुकरे न कुकर मौका लग जाए, हरियाणा को लूटने का काम करें। 2019 का जो चुनाव का परिणाम था, बाबू बेटा समेत और जितने दूसरी पार्टी आड़े थे इन सब का बोरिया बिस्तर बंद कर दिया था। साथियों इस बार भी हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 कमल के फूल खिला करके फिर मोदी जी की झोली में डाल करके और फिर चंडीगढ़ के अंदर नायब सिंह सैनी जी को दोनों हाथ उठा करके आप भरोसा दिला दो कि भाई दिल्ली की तो काम करे दिया और चंडीगढ़ तक की तैयारी है, कोई कमी नहीं रखेंगे किसी तौर। चंडीगढ़ की तैयारी पिछली बार भी खूब थी, हमारे नारनौंद के साथियों ने पूरा जोर लगा रखा था, लेकिन हमारा 2019 की लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव में हमारा इस आसपास के इलाके में थोड़ा सा एक चक्कर सी घूम गया, थोड़ा सा लोग आके जसू तू हंसे है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत घूम गया, और फिर हमारा बकानिए घड़े आ गए, थोड़ा उनका जो है ओके क्या रहा, हमारा दादा बोला सौदा के में नहीं था, अरे सौदा तो कमे नहीं था, लेकिन वो खोपर आए और खोपर के और कमे न कमे बराती कराती आ गए, और हमारे नारनौंद में तो 24 ही घुमा कर चले गए। घुमाई थी कि नहीं घुमाई थी ये वो 24 घुमाणी है। वो कौन सा गाना आया करता, बोला हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए, चाबी खो जा वो चाबी घुमानी है भी और सारे वोट लेनी है भी, वो कमरा हो लिया बंद अरे चाबी गई घूमे, अरे तो जो कुछ है नायब सिंह जी के नेतृत्व में जोर तक है, बोला भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों अब सब मिलकर के ये हरियाणा प्रदेश का आज तक का इतिहास है, जिसकी सरकार दिल्ली में मनती है, ये मई का महीना है, जून में परिणाम आ जाएगा, और जून में मोदी जी शपथ लेंगे 400 पार के बहुमत के साथ शपथ लेंगे, और हरियाणा का इतिहास है, आज तक कभी हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ जिसकी सरकार दिल्ली में है उसे की सरकार चंडीगढ़ में बैठा करती है। मोदी जी को बना लो, मोदी जी को जिता लो, और अपना भविष्य भी सुरक्षित कर लो, ये आपको भरोसा देते हुए साथियों मैं एक एक साथी से निवेदन करूंगा कि 25 मई की शाम तक आप सब कमल के फूल के सिपाही बनकर के, मोदी जी के सिपाही बनकर के, चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे प्रत्याशी हमारे उम्मीदवार हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी को आप अधिक से अधिक वोटों से जिताने का काम करें, और तुलना करके देख लेना। मैं उस दूसरे उम्मीदवार के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बार दोनों की फोटो देख करके देख लेना, उससे तो आज भी ये घने जवान लागे हैं, कुछ भी बात हो उससे तो आज भी मजबूत लागे हैं, और उसके पल्ले कुछ नहीं है, वो तो निरा के है,
के है मेरा मुंह तो ना कहो के है और जय प्रकाश का जेपी का के आख रहे हैं मन बोलने की जरूरत तो नहीं है। अब फिर बकाई माओगे अब फिर वो सुए लाओगा फिर सुए के चक्कर में पड़ोगे। 25 मई तक अपने आप को जगा कर रख लेना 25 मई तक खुली आंखों से अपनी लड़ाई को लड़ लेना 4 जून को परिणाम आएगा ये वापिस ओढ़े जाओगा। जड़त आया है कड़त आया है। मैं इस हर लोकसभा के गामा की लिस्ट देखू था मैं नाम नुम तो कोई सा गांव का हो तो मैं देख लिया बकांधन हो गए कैसा लक्ष्य है रमेश जी बेरा कौन सा गांव का है मन तो कौन ध्यान भाई सारी बात समझ लो सारे समझदार आदमी हो। मैं नायब सिंह सैनी जी हमारा सौभाग्य है हमने इनको 25 सालों से संगठन में काम करते हुए देखे बहुत ही ईमानदार बहुत सच्चे आदमी और बहुत धोखा देनी आदमी नहीं है साथ देनी आदमी है और गरीब के हमदर्द आदमी है सामाजिक आदमी है। इनके मन में पेट पाप नहीं है आप सभी आप इनको साथ दो इनकी मदद करो और मैं आपके बीच में कह रहा हूं अगर आप इस बात का समर्थन करते हो तो हम कहते हैं भाई एड़ी चोटी का जोर लगा के आपका साथ देंगे आप जितना डालोगे हम सवाया करके आपको देने का वापिस काम करेंगे नायब सिंह जी। तो एक बार जोर से दोनों हाथ उठा करके नायब सिंह जी का समर्थन करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी का जोरदार उद्बोधन और उसमें आप सबका सहयोग मैं उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करती हूं। और इस बात से एक बात तो तय हो गई कि हिसार लोकसभा हरियाणा प्रदेश की पहली लोकसभा होगी जो हम सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं और उसमें नारनौंद का सबसे अधिक योगदान रहने वाला है। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय चौधरी रंजीत सिंह जी से जो प्रधानमंत्री जी का प्रतिरूप बनकर कमल का फूल लेकर हमारे बीच आए हैं वो आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के साथ साथ आप सबके समक्ष आकर वोटों की अपील करें। चौधरी रंजीत सिंह जी आज के मंच पे हमारे बहुत आदरणीय लोकप्रिय एक बहुत गरीब घर से उठा के जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया श्री नायब सिंह जी सैनी हमारे आज के सभा के आयोजक कैप्टन अभिमन्यु जी मेरे साथी बहुत एफिशिएंट मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता जी हमारे विधानसभा में डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक हांसी से श्री विनोद ब्याना जी हाईली डेकोरेटेड गैलेंटेड हमारे आर्मी में जनरल सब पॉलिटिकल आदमियों से भी मैंने ऊंचा कहूं तो कोई गुस्ताखी नहीं जनरल डीपी वत्साब श्री सुरेंद्र पुनिया जी बहन डॉक्टर आशा खेदड़ श्री अमलपाल राणा जी हमारे प्रभारी श्री ज्वार सैनी जी श्री रवि सैनी जी श्री धर्मवीर रतेरिया जी ईश्वर मालवाल जी सोनू सिहाग जी श्री नरेश जांगड़ा श्री अजय सिंधु जी सतपाल शर्मा जी श्री जयवीर माजरा जी अशोक सैनी जी और श्री आशीष जोशी जी महावीर शर्मा जी प्रेम शर्मा जी और सामने बैठे नारों दल के की उपस्थित हाजरी मेरे आदरणीय बुजुर्ग नौजवान दोस्त हमारी माताएं बहनें मैं बच्चे आज नारनौंद की सभा में कैप्टन अभिमन्यु ने बोल के जो आज के नारनौंद दल के में जो ऊर्जा दी है जो हौसला दिया उसके लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे से पहले स्पीकर ने अलग अलग बातों में बहुत चर्चा करा। देखिए आज के दिन यह चुनाव मेरा और कोई कांग्रेस के कैंडिडेट का नहीं है। आज की जो परिस्थितियां बन रही है उसमें यह चुनाव देश की सुरक्षा देश का आगे भविष्य और देश को आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए इन हालात में ये मोदी साहब वर्सेज राहुल गांधी का चुनाव है। मैं दो बातों से आपसे अपनी बात कहूंगा।
कि आज हमारे अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ जो दुनिया में हम देख रहे हैं, यूक्रेन में एक वार हो रहा है, गाजा में दूसरी जगह नरसंहार हो रहा है, वहां लोग खेती नहीं देख रहे, वहां लोग दुकान नहीं देख रहे, लोग व्यापार नहीं देख रहे, वहां लोग ये देख रहे हैं कि बच्चों की जान कैसे बचाएं। ऐसे हालात में चाइना एक तरफ ताइवान पे हमला कर रहा है, एक तरफ साउथ कोरिया की तरफ उनके जहाज जाते हैं, फिर समुद्र में 20-20 जहाज श्रीलंका तक जाते हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। अगर दुनिया के जो हालात हैं ऐसे हालात बन जाए तो मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या राहुल गांधी देश को बचा लेंगे? क्या इन हालात में अगर मोदी साहब खड़े होकर चश्मा लगा के अगर देखेंगे तो दुनिया की सारी ताकतें कांपेंगी, ये नरेंद्र मोदी है, उनके लिए वोट देने की बात है। आज इस वक्त जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, हमारे 20,000 बच्चे वहां फंस गए थे और किसी दुनिया के कहने से पुतिन नहीं रुक रहे थे, यूएनओ ने भी कह लिया तो भी उस प्रस्ताव को नहीं माना। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुतिन सुनो, मेरे 20,000 बच्चे वहां पढ़ने जो गए रह गए, मुझे एक सेफ जोन चाहिए जहां तिरंगा लगा होगा, मैं उन्हें वापस लाना चाह रहा हूं, और 3 दिन युद्ध विराम बंद हुआ और उसमें हमारे बच्चे वापस हवाई जहाज गए, उस सेफ जोन से वापस आए जहां मिसाइल और हमले बंद कर दिए थे। पाकिस्तान के बच्चों ने भी तिरंगा लहरा के अपने देश गए, ये नरेंद्र मोदी है। तो हमें जो देख के करना है वो ये करना है कि इस वक्त देश के लिए सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन है। मैं बहुत बार, मैं 5वीं कैबिनेट में हूं, 5 बार मंत्री रह लिया, कई बार विधानसभा में रह लिया, 1987 से मेंबर हूं, मंत्री बन गया था, मेंबर पार्लियामेंट रह लिया, इस बात का सवाल नहीं है। सवाल इस वक्त है कि देश का प्रधानमंत्री कैसे बने, और उसके लिए वोट मांगने की बात है। हर कोई दिन रात इस बात पे लगा है। हमारे देश का बाहर क्या रुतबा है वो मैं बताता हूं मोदी साहब के आने के बाद। एक बार हमारे विदेश मंत्री गए थे बाहर और उन्हें जब अमेरिका में उतरे तो एक चेक पॉइंट होता है, जाने से पहले ग्रीन, बड़े आदमी हो तो ग्रीन चैनल से लेके जाते हैं, वहां उनकी तलाशी ली गई, कपड़े उतरवाए गए, हिंदुस्तान के अखबारों में बड़ा शोर मचा था। आज हमारे प्रधानमंत्री जहां जाके लैंड करते हैं वहां उनके लिए गाड़ी लगती है और वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भूखे लेके खड़ा होता है। ये हिंदुस्तान, तब के हिंदुस्तान में आज के हिंदुस्तान में फर्क है। हमारे अमेरिका में एक बार गए तो एनआरआई ने हमारे प्रधानमंत्री को बुला लिया था कि मोदी साहब का हम स्वागत करते हैं, जब भी जाते हैं, बहुत बार मोदी साहब जिस देश में भी जाते हैं स्वागत होता है। शिकागो में एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, 60,000 एनआरआई जो हिंदुस्तानी है वहां थे, ट्रंप साहब को भी बुला लिया था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पिछले ट्रंप की बात है। जब मंच पे चढ़े तो भाई कन्वेंशन है कि जब राष्ट्रपति मंच पे होगा तो जैसे हमारे एसपीजी का कवर होता है वहां मैरिन्स का कवर होता है, यूएसए मैरिन्स, वो भी विड्रा हो जाती है। और जब मोदी साहब ट्रंप साथ साथ स्टेज पे चढ़े थे, ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि भीड़ मोदी मोदी करने लगे तो ट्रंप भी मोदी मोदी करें, ये हमारे नरेंद्र मोदी का दुनिया में आज धमाका है। एक ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं कि जो जीतने के बाद, पिछली बार का याद करो, नरेंद्र मोदी जब जीते प्रधानमंत्री बनने के बाद अमरनाथ गुफा में जाके सफेद चादर ओढ़ के बैठे थे, उससे शिव भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे ताकत और मुझे ब्लेसिंग दो, जिन लोगों ने बनाया मैं उनका कल्याण कर सकूं, भला कर सकूं। और एक राहुल गांधी है, बनने के बाद कोलंबिया जाएंगे। तो हमें थोड़ा ये देखना चाहिए कि देश के लिए सबसे बढ़िया फोन है। इस वक्त कोई एमपी का रोड का सवाल नहीं है, बहुत ये सब पद देख लिए। आज के वक्त अगर देश को कोई सुरक्षा से, देश को सिक्योरिटी से, देश को कोई बढ़ाने में कोई आगे कर सकता है तो इससे ज्यादा कोई नहीं है। कांग्रेस का जिक्र करा मेरे से पहले कैप्टन साहब ने, यह कांग्रेस का इतिहास खत्म हो गया। मैं 1970 से बता रहा हूं, 1970 से जिन प्रदेशों में दोबारा कांग्रेस ने, ये बुगिन लो, उसके बाद 23 साल और 24 साल, 47 साल में वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, इसके बाद गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, या 250 सीटें लोकसभा की, 47 साल में कांग्रेस वहां है ही नहीं, खत्म होगी। जहां 10 साल चले गए उसके बाद कांग्रेस कहीं है ही नहीं।
ये हुड्डा साहब वही है जो पिछली बार जब 2014 से पहले आपको याद होगा जितनी नौकरी लगी रोहतक में जितने सर्विसेज कच्चे पक्के पेंसिल का चर्चा होता था कि इंटरव्यू कच्चे से होता है फिर पक्के से मार्क दिए जाते हैं जब पैसा पहुंच जाता है सारी नौकरी रोहतक में सारा पैसा रोहतक में सारे फ्लाईओवर रोहतक में और 2014 के चुनाव में एक बगावत हो गई थी कि रोहतक वर्सेस अदर्स रोहतक के खिलाफ आपका हिसार जींद भिवानी सिरसा फतेहाबाद कुरुक्षेत्र करनाल अम्बाला महेंद्रगढ़ फरीदाबाद गुड़गावा सब खड़े हो गए थे। हुड्डा साहब केवल रोहतक के बाहर कुछ नहीं देखना चाहते। तो मैं आपसे ये कहूंगा अगर हरियाणा प्रदेश का हम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं आज इस वक्त जो बड़ी जो नीति आयोग का कहना है इस वक्त जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है बड़ी स्टेटों में उसमें हरियाणा नंबर दो है और अगर सैनी साहब का नेतृत्व हमें ऐसे ही मिलता रहा और गुप्ता जी जैसी ऐसी बढ़िया टीम साथ रही तो हम शायद हरियाणा देश में भी एक नंबर स्टेट पे हो जाए ये हरियाणा बनने जा रहा है। मैं दूसरी बात कहूंगा एज कैंडिडेट देखें तो मैं मेरे लिए कुछ कहूं ये बढ़िया बात नहीं। लोग कहते हैं आदमी ठीक ठाक है और भाई जो जयप्रकाश है आप तो कहने में कुछ संकोच कर गए जो देवीलाल के जीवन में सबसे ऊंचाई के वक्त पे थे जब प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बन गए थे तो एक ही बात से नुकसान हुआ था जिस दिन महम भाई इलेक्शन हुआ वो महम भाई इलेक्शन में ग्रीन ब्रिगेड ने बूथ कैप्चर करे थे और चांदी बैसी में गोलियां चली थी उस दिन से जो देवीलाल को भी इस्तीफा देना पड़ा और उस दिन ये उसका सरगना जयप्रकाश था ये सारी भीड़ बैठ के मैं सामने कह रहा हूं ये था। और अगर ऐसे आदमी राजनीति में आए तो फिर हमारी यूपी बिहार जैसी राजनीति हो जाएगी। तो सोच के करना कोई ऐसे आदमी का धर्म नहीं होता कोई किसी से लिहाज नहीं होती कोई किसी से नहीं जो ये कह रहे थे झूठी थापी लगाने वाला आदमी है इसका कोई काम नहीं है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ हमारा इलेक्शन एक ब्राह्मण सभा का एक आयोजन हुआ परशुराम जयंती पे 1000 से ज़्यादा ब्राह्मण इकट्ठे हुए मुझे बुलाया गया मौके पे और प्रदेश अध्यक्ष पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी सब ने मिल के फैसला करा कि आज से पूरा ब्राह्मण समाज हम परशुराम जयंती पे फैसला कराएं एक एक वोट मोदी साहब को पड़ेगा पूरा सैनी समाज पूरा गुजर समाज मतलब 36 बरादरी। मैं थोड़ा सा आपसे कहूंगा जो थोड़ी कांग्रेस से लिहाज करे बैठे उनसे आपसे एक बात में कहूं मेरी बात सुन के आप सोच लेना कभी चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया मैं वोट नहीं मांग रहा हूं अगर मेरी बात गलत हो कभी जो देवीलाल को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया। और अब मैं इस इलेक्शन की बात बता रहा हूं सर छोटू राम के द्वैत को टिकट नहीं मिले कांग्रेस में चौधरी बंसीलाल की पोती को टिकट नहीं मिले कांग्रेस में और जिस कांग्रेस को छोड़ के मैं बाहर आया मुझे बीजेपी जब मैं टिकट नहीं दी बाहर आया लोगों ने मुझे बनाया सबकी जमानत जब 25,000 से मनोहर लाल जी ने मुझे कैबिनेट में मंत्री बनाया 5 की कैबिनेट बनी तो नायब सिंह जी सैनी ने मंत्री बनाया। और भाई लोकसभा का टिकट मुझे देखे तो हमें इज्जत कौन सी पार्टी दे रही है जिस कांग्रेस को सब छोड़ के चले गए उस कांग्रेस को मैं नहीं समझ रहा कि आप क्यों जब फिर डालें उस कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। चाणक्य कहता है कि हर आदमी को या तो राजा के पास जाके बसना चाहिए या नदी के किनारे बसना चाहिए कभी रेगिस्तान में नहीं बसना। जब 36 बरादरी आज मोदी साहब के साथ खड़ी हो गई तो तुम वो एक्ट वापस हो गया आंदोलन वापस हो गया सारे कानून वापस हो गए सब मामला खत्म हो गया। तो बगैर लोगों को बहकावे में नहीं आके मैं आप सब से ये कहूंगा आपका मैं दोस्त हूं मित्र हूं हमारे लिए हमारे आगे हमारी औलाद के लिए इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं इससे बढ़िया कोई नेतृत्व नहीं हो सकता। हम एक एक आदमी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होकर उनका साथ दें। हम जब पानीपत की लड़ाइयां लड़े हम हिंदुस्तान और चीन की बॉर्डर पे हम देश के लिए लड़े तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हमें सबसे आगे होकर उनके लड़ाई में साथ देना चाहिए हमें देश के भविष्य के लिए काम करना चाहिए। मैं लास्ट में आपसे एक ही बात कहूंगा कि 25 तारीख को वोट पड़ेगा उस दिन हर आदमी ये प्रतिज्ञा कर ले कि घर के 5 मेंबर हैं 7 मेंबर हैं एक वोट भी नहीं रहना चाहिए। कई बार हार जीत 20-30-40-50,000 की होती है अगर हम वोट 100% पोल कर देंगे 70% पोल करते हैं तो 18 लाख में हमारे 10,500 पोल होंगे
अगर हम 90% कर जाते हैं तो 4 लाख वोट और बढ़ जाता है। तो मैं सबसे कहूंगा जो परिवार कोई भी घर में वो हर परिवार के जितने वोट हैं एक एक वोट पोल करें और नरेंद्र मोदी जी को हिसार के हम कमल का फूल ले जाके उन्हें भेंट करें। ये हमारी किस्मत है कि हिसार से 2 MP बन रहे हैं, एक मैं बनूंगा और एक नवीन जिंदल बनेगा। और भाई आपसे एक कह के जा रहा हूं कि रणजीत सिंह हर सोमवार को मैं हिसार मिलूंगा। पहले मैं हर 5 तारीख को महीने में मिलता था, नानों दवड़े जानते हैं मेरे पास बहुत आदमी जाते हैं, मैं करता था हजार हजार आदमी सबके सामने काम करता था पिछले 16 साल से, एक दिन भी अचूक नहीं हुआ। और आपसे वायदा करके जाता हूं हर सोमवार को मैं हिसार आपसे मिलूंगा, कोई भी आए किसी बरादरी का आए किसी भाईचारे का आए किसी पार्टी का आए हर एक के काम करूंगा। ये कहकर मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद जय भारत। अब एक नारा लगाऊंगा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। अब लास्ट कहूंगा दोनों हाथ खड़े करके हम मोदी परिवार और एक एक वोट डालेंगे, 100% पोल करेंगे, दोनों हाथ खड़े करके कहें बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चौधरी रंजीत सिंह जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात कही और आप सबके सामने वोट की अपील की और आप सब ने भी दोनों हाथ उठाकर उनका समर्थन किया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और अब हमारे बीच, मैं हमेशा कहती हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की छवि का जो प्रतिरूप है, सरल मृदुभाषी हैं और हरियाणा प्रदेश के जन जन के हृदय में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी यहाँ उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नारनौंद की इस जनसभा में ऐसा जोश का संचार आप कर जाए कि जब लोकसभा का चुनाव तो यहाँ घोषित हो तो हिसार की लोकसभा है वो सबसे नंबर एक पर हो। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय नायब सैनी जी, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। भाई नारनौंद की आवाज नहीं है ये, नारनौंद की आवाज बुलंद आवाज है और ये आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनाई देनी चाहिए। नारनौंद की सरदारी एकजुट बैठी है और 25 मई को जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो कमल का फूल खिल करके मोदी जी के पास जाएगा जोरदार जयकारे के साथ, भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हमारे इस हिसार लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी रणजीत चौटाला जी हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आदरणीय रणवीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, पूर्व में वित्त मंत्री रहे हरियाणा सरकार, जिनसे मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आप सबके दिलों की धड़कन, कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद व्याणा जी, पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला की हमारी लोकप्रिय अध्यक्षा श्रीमती आशा खेदड़ जी, लोकसभा के संयोजक रवि सैनी जी,
चेयरमैन जिला परिषद सोनू सिहाग जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार अमरपाल राणा जी, जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी, हमारे चेयरमैन हरियाणा सरकार नरेश जांगड़ा जी, धर्मवीर रतेरिया जी, महावीर शर्मा जी, अजय सिंधु जी, ओपी मालिया जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और नारनौंद की इस अनाज मंडी में उपस्थित नारनौंद के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी महानुभाव मातृशक्ति युवा साथियों, आज जो सम्मान ये नारनौंद की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर रखा है, ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान नारनौंद की सरदारी का है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके आप लोगों को राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं आप लोगों को। यहां पर हर बार आने का मुझे मौका मिला है, परंतु आज मैं नारनौंद की सरदारी के बीच में आज एक विशेष इस देश के लिए भाइयों निवेदन करने के लिए आया हूं। आज 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। यह छोटा चुनाव नहीं है, यह गांव का चुनाव भी नहीं है, यह जिले ब्लॉक का चुनाव भी नहीं है, यह चुनाव ये इस देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। भाइयों निर्णय 25 मई को हमने करना है और मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहने के लिए आया हूं कि भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर इस देश की दिशा और दशा तय करने का, भाइयों एक विकास की गति करने का कार्य किया है। और अगर पिछला 55-60 सालों का कांग्रेस का शासन देखें और भाइयों 10 वर्षों का नरेंद्र मोदी जी का शासन देखें, जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। भाइयों आज मैं आप लोगों के बीच में ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के नेता उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। भाइयों कैसे इस भारत की बागडोर इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं के हाथ में हम सौंप सकते हैं। भाइयों जो लोग जेएनयू के अंदर बैठे हुए जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और घमंडिया गठबंधन का जो युवराज है राहुल गांधी, वो उनके बीच में जाकर के उनका समर्थन करने की बात करता है। भाइयों कैसे सौंप दे, भाइयों केरल के अंदर ये इन्हीं घमंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अभी आप लोगों ने 2 रोज पहले देखा है वहां का जो सचिवालय है, उस सचिवालय के पास गौ माता को काट करके किस प्रकार से वहां पर घिनौना कार्य ये इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। भाइयों कैसे ये घमंडिया गठबंधन के लोग, हम सब जानते हैं भाइयों कश्मीर के अंदर जो हमारे कश्मीरी पंडित थे किस प्रकार से भाइयों उनको कश्मीर से निकालने का काम किया, किस प्रकार से उनको पर अत्याचार किए और वो अपना सारा घर बार जमीन को छोड़ करके उन्होंने टेंटों में रहना शुरू कर दिया,
कैसे आपके ऊपर विश्वास कर लें भाइयों। परंतु अगर आप देखें अभी ये जो व्यक्ति जिसने वहां पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया और जो अलगाववाद की नीति को पाकिस्तान के शह के ऊपर वहां आतंकवाद करने का काम बढ़ाने का काम जो करता था यासीन मलिक भाइयों, वो कांग्रेस के समर्थन में दिल्ली में आकर के पोस्टर लगाता है कि कांग्रेस को वोट दें। कैसे कांग्रेस को वोट दें इस बात के ऊपर भी विचार हम सब ने करना है भाइयों। कैसे कांग्रेस को वोट दें जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो हिंदू प्रताड़ित था और यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए कि ऐसे प्रताड़ित हिंदुओं को सम्मान रूप से भारत के अंदर स्थान दिया जाएगा और ये घमंडिया गठबंधन के लोग किस प्रकार से उसका विरोध किया। 6 महीने तक उन्होंने रोड को बंद करके रखा भाइयों। कैसे इन घमंडिया गठबंधन के लोगों को वोट दें इसके ऊपर विचार करना है भाइयों। कैसे वोट दें हमारा नौजवान बेटा, हमारा नौजवान भाई, भाइयों जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता था, उसके ऊपर इनके समय में पत्थरबाजी होती थी, कैसे इनको वोट दें। परंतु नरेंद्र मोदी के समय के अंदर ना तो पत्थरबाजी दिखाई दी है ना पत्थरबाज दिखाई दिए हैं भाइयों। ये ऐसी मजबूत सरकार इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों आज मिली है भाइयों। कैसे इन लोगों को वोट दें अगर इनकी सरकार आती है, एक गैस का सिलेंडर 3-3 दिन के अंदर मिलता है भाइयों, लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, कैसे इन लोगों को वोट दें ये हम सब जानते हैं भाइयों। अगर दूसरी तरफ हम देखें, नरेंद्र मोदी जी ने उस लाइन को तो खत्म किया परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था भाइयों। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किया है भाइयों। जब इतने काम ये हमारी सरकार कर रही है, दूसरी तरफ घमंडिया गठबंधन के कार्यों की सूची है, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, और जब उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो आजकल उन्होंने झूठ का सहारा ले लिया है। और ये कांग्रेस का युवराज ये जनसभा में खड़े होकर के बोलता है कि आप मुझे वोट दे, मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों ये किस प्रकार का झूठ बोल करके देश के लोगों को बरगड़ा करके उनका वोट लेने का काम ये लोग करते हैं। परंतु उसने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। उसकी दादी ने भाइयों 1970 के दशक में कहा था कि मैं देश से गरीबी हटाऊंगी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 35 वर्ष तक देश के लोगों का वोट लेते रहे परंतु गरीबी नहीं हटी। 35 वर्ष के बाद उसके पिता ने, राहुल गांधी के पिता ने भाइयों दिल्ली में बैठ करके कहा, मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ और नारनौंद में 15 पैसा लगता है, 85 पैसे कौन खा जाता था, किसके वेलफेयर पे खर्च होना था, कौन से सुविधाओं के ऊपर खर्च होना था, इसकी चिंता नहीं की। परंतु लोगों को उनके हालात के ऊपर ही छोड़ने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और भाइयों ये युवराज बोलता है मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों कौन सा अलादीन का चिराग ले रहा है जिसको ये रगड़ करके गरीबी को समाप्त कर देगा। भाइयों गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। आज उस गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके उसको सम्मान देने का काम
ये नरेंद्र मोदी ने इन 10 वर्षों में किया है। आज चिंता नहीं है गरीब व्यक्ति को, अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाए तो सम्मान पूर्वक अपना इलाज करा सकता है, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग 2014 से पहले आप भी देखते थे, हम भी देखते थे, हमारी माताएं बहनें पीने का पानी 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके लाती थी, परंतु चिंता इन्होंने नहीं की। अगर चिंता किसी ने की वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। आज हमारी माता बहन भाइयों सर के ऊपर मटका ला करके दिखाई नहीं देती है। यह काम हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों, हमारी सरकार ने 4 करोड़ माताओं बहनों को भाइयों आवास बना करके चाबी सौंपने का काम किया है। वो भी बताएं कि उन्होंने 60 वर्षों में कितने मकान बनाए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है आने वाले समय में एक भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर के ऊपर छत नहीं होगी। हर व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा हमारी सरकार का है। लगातार ये सरकार इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, चाहे 50 करोड़ गरीब लोगों के जनधन खाते खोल करके उनको सम्मान देने का काम, बैंक में जाने का अधिकार अगर किसी ने दिया है ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। भाइयों, आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ये घमंडिया गठबंधन के लोग, मैं अभी एक दिन यहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, ये मेरे वहीं से कुरुक्षेत्र कैथल से आया है, वहां पर लोगों ने इसको एक बार विधायक बनाया और जब देखा कि भाई ये तो बात ज्यादा करता है, काम नहीं करता, बात बात में पेट भर देता है, और उसको वहां से नकार दिया, और जब वहां से नकारा तो ये आपके पास आ गया। निर्णय अब आप लोगों ने करना है कि ऐसे व्यक्ति को भाइयों हमने रखना है या इसको भी भाइयों राहुल गांधी के पास भेजना है। इस बात का आप लोगों ने फैसला करना है। भाइयों, जो कांग्रेस का युवराज है आप देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है, और ये सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। 2014 में कांग्रेस मात्र 471 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी, और जब 2019 का चुनाव आया कांग्रेस भाइयों 421 सीटों पे चुनाव लड़ी, और अब ये 2024 का चुनाव है कांग्रेस मात्र 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और जब 2029 का चुनाव आएगा कांग्रेस कहीं सीट पे दिखाई नहीं देगी, ये देश उनको साफ करने वाला है। भाइयों, ऐसे लोग, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, परंतु उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। अब देश की जनता लगी हुई है कि कांग्रेस को 2029 तक बिल्कुल साफ करने का काम करेंगे। आज ये विपक्ष के भी नेता नहीं है, विपक्ष के नेता बनने के लिए भी इनको घमंडिया गठबंधन की आवश्यकता पड़ी है। भाइयों, हम लोगों ने देखना भी है, ये जो लोग घमंडिया गठबंधन के इकट्ठे हुए हैं इनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश की जनता से भी कोई मतलब नहीं है। भाइयों, जो केजरीवाल कांग्रेस को गाली पानी पी पी करके गाली देता था और ये बोलता था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, और उसने टीवी के ऊपर आकर के बोला मैं बच्चों की कसम खाता हूँ मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, अगर सोनिया गांधी की ईडी जांच कराई जाए तो भाइयों ये जेल में चली जाएगी। और वही व्यक्ति जो गाली कांग्रेस को देता था, जो कांग्रेस इनको गाली देती थी, अब दोनों गले मिल गए हैं। ये गले इसलिए नहीं मिले कि ये देश का भला करेंगे या देश के लोगों का भला करेंगे, ये गले इसलिए मिले हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाना है, भाइयों परिवार को बचाना है। मोदी जी बोलते हैं हमने देश को बचाना है, ये लोग बोलते हैं हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। भाइयों, इसके अंदर अंतर है, इसका निर्णय यहाँ की सरदारी करेगी। मैं आज आप लोगों से
यही अपील करता हूं, एक एक वोट आप कमल का बटन दबा करके यहां से बड़े मैंडेट के साथ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को आप दिल्ली के अंदर भेजिए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। भाइयों आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को पीछे भी कहा था, भाइयों ये सीएम हाउस ये आप लोगों का है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और मैंने ये कहा भी है कि 4 तारीख तक ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जो भी अधिकारी अगर जो गलत करेगा भाइयों चक्कर कटवा देंगे, ऐसी हालात इन लोगों की कर देंगे, कोई भी व्यक्ति हमारा परेशान ना हो। इसके लिए ये मजबूती से ये सरकार काम करेगी ताकि लोगों को जो भी दिखते हैं उनकी दिक्कतें सॉल्व करने का काम अधिकारी का है और मौके के ऊपर बैठ करके ही करेगा, हमने इस बात को सुनिश्चित करना है। परंतु भाइयों ऐसे लोगों की बात में मत आइए जो लोग ये बात बोलते हैं। मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं इसका इंटरव्यू देख रहा था और ये कह रहा था कि हमारी सरकार में पर्ची चलती थी, जब वो पत्रकार इसको पूछ रहा था भी खर्ची भी चलती थी, इसका जयप्रकाश का मुंह भाइयों उतर गया था और फिर बचते हुए कहने लगा कि नहीं खर्ची नहीं चलती थी। अरे जयप्रकाश मैं बताना चाहता हूँ, आपकी सरकार के हालात, आपकी सरकार में पर्ची भी चलती थी। और जो प्रदेश का युवा बोल रहा है, प्रदेश के युवाओं के माँ बाप बोल रहे हैं कि बिना पैसे के नौकरी नहीं लगती थी, ये कांग्रेस के हालात के अंदर भाइयों शासन के अंदर था। और भाइयों ये हरियाणा प्रदेश के लोग बोलते हैं कि इनकी सरकार के अंदर जिसकी कैची में ज्यादा वजन होता था वो बच्चा नौकरी लग जाता था, गरीब माँ बाप का बेटा देखता रहता था वो नौकरी नहीं लगता था। परंतु अब ये सिस्टम बना है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश का युवा भी बोलता है, युवा का माँ बाप भी बोलता है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रहे हैं। भाइयों ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप लोगों को दिया है। आइए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हम सब मिलकर के एक एक वोट भाइयों कमल का बटन दबा करके सबसे बड़े मैंडेट के साथ भाइयों चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को यहां से जता करके भेजिए। भाइयों आपका बटन यहां दबेगा और उसकी ताकत मोदी जी के पास जाएगी, और जब मोदी जी के पास ताकत जाएगी ये देश ये दुनिया का भाइयों नंबर एक का देश बनेगा। यहां जो लोगों के जो सुविधाओं के लिए अगर आज हम देखते हैं, चाहे रोड्स की बात कर लीजिए, चाहे भाइयों रेलवे कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, चाहे देश के अंदर नई यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, चाहे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, चाहे देश के अंदर भाइयों नए एम्स की बात कर लीजिए, इन 10 वर्षों के अंदर देश एक विकास की गति के अंदर आगे बढ़ा है। इस गति को हमने बढ़ाना है, ये अपेक्षा हम कांग्रेस से नहीं कर सकते। कांग्रेस के समय में तो भाइयों विकास की गति रुकती है, भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, मोदी जी के शासन के अंदर विकास की गति बढ़ती है, भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसी जाती है और फिर इकट्ठे हो जाते हैं, कोई तिहाड़ जेल के अंदर जाता है, किसी को एफआईआर होती है और कोई जेल से बाहर आता है, कोई जेल में जाने वाला होता है। भाइयों ये गवर्नमेंटियां गठबंधन के लोगों का सारा सिनेरियो है, आप लोगों के सामने है। परंतु निर्णय हम सबका है, मेरा आप लोगों से यही आग्रह है, एक एक वोट कमल के बटन का दबना भी है और दबवाना भी है। ये भयानक गर्मी का मौसम है, 25 मई को गर्मी का पीक का मौसम है, आप लोगों से अपील है इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हम घर से निकल करके एक एक वोट कमल के बटन को दबाएं और यहां से सबसे बड़े बहुमत के साथ भाइयों रणजीत जी को कमल का फूल दे करके हमने दिल्ली में भेजना है। भाइयों हम देखते हैं, अभी हमारे आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी बोल रहे थे, भाइयों यहां से जो आप लोगों ने आदरणीय दादा गौतम को चुना था वो किस प्रकार से अपनी पीड़ा को जाहिर करता है और बोलता है ये हम नहीं बोलते, वो बोलता है कलियो जीव गया और किसी को पूछा तक नहीं,
भाइयों, ये इस प्रकार की हालत ये सेम कांग्रेस की भी है और ये हालत इन लोगों की भी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर समान रूप से भाइयों सब की चिंता की जाती है, किसी के भी भाइयों अनदेखी नहीं होती। और मैं आप लोगों को एक विश्वास जरूर दिलाता हूं कि जो भी काम आप लोगों के होंगे 4 तारीख के बाद, उन सब कामों को करने का जिम्मा अब हमारा है। आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, परंतु हमने नरेंद्र मोदी जी को मजबूती से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, देश नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। एक जोरदार जयकारे के साथ हम नरेंद्र मोदी जी तक ये आवाज जाए और ये संकल्प लें कि जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2024 के बाद जब ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा, इस विकसित राष्ट्र के लिए हम सब एक एक वोट देने का काम करें। और जोरदार जयकारे के साथ हम ये अपनी वाणी को विराम देंगे, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हर व्यक्ति की पहुंच ही उनकी जीत का मूल मंत्र है। उनका हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे एक अनुरोध पर वो तभी